स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले एक बार ये पीएफसी का नंबर मैं रीड कर लूँ, फिर राजे सर से बातचीत करता हूँ। पीएफसी के केस में करीब मुनाफा 18% बढ़ा है, 4,135 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया है, 3,492 करोड़ रुपए के सामने मुनाफे का नंबर है, डे हाई के आसपास पीएफसी पहुंच चुका है। और उसके अलावा रेवेन्यूज फ्रंट पे 20% की बढ़त है, 12,243 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, 10,124 करोड़ रुपए के सामने ये एक रेवेन्यू का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एनआईएफ फ्रंट पर करीब करीब 3,476 करोड़ से बढ़कर 4,237 करोड़ रुपए के आसपास का एनआईए यहाँ पर पोस्ट हुआ है, तो मुनाफे में बढ़त। और ग्रॉस एनपीए भी करीब 3.52 के सामने ये नंबर आता दिखाई पड़ा। तो नंबर सो फार हर पैरामीटर पे आपको बेटर दिखाई पड़ेंगे, 2.5 रुपये पर शेयर के आसपास का डिविडेंड भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो पीएफसी के नंबर्स हैं, नंबर्स के बाद एक रिएक्शन है, 3.5% ऊपर है। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू आपका चाहूंगा कि कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को अभी। 22,200 के इर्द गिर्द ही हम कामकाज कर रहे हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा यूजुअली अभी हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। सो 22,200 पे निफ्टी और निफ्टी बैंक 48,300 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है कि नहीं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप समझिए कैसे लग रहा है मार्केट्स और क्या करना चाहिए अभी। गुड आफ्टरनून सुमित जी, गुड। तो देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से रिकवरी बनी, 21,800 के लो बना के निफ्टी 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल के वहां से वापस से जिस तरीके से रिकवरी बनी है, हमें लगता है ये रिकवरी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। अगर हम डेटा देखें, डेरिवेटिव डेटा में भी देखें, तो 22,000 और 22,100 ये 2 स्ट्राइक पे अच्छा पुट राइटिंग देखने को मिला है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। इवन अगर आज का सेशन भी देखें तो निफ्टी में जो मेजर पुट राइटर्स एग्रेसिव है वो 22,200 की स्ट्राइक पे और जिसके आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। इसके चलते ही हमने देखा कि एक इनिशियल आवर्स में भी हम देखें तो एक डिप भी मिला था 22,200 के नीचे, लेकिन वहां से एक रिकवरी भी बनते हुए दिखी। तो आज के लिए हमें लगता है ट्रेड सेटअप तो यही रहेगा कि अगर हम 22,170 ये रेंज तक भी अगर आते हैं तो वहां पे बाय ही करना है। स्टॉप लॉस आपके जो होंगे वो करीब 22,120 के होंगे स्पॉट पे, और हायर साइड पे 22,280 और 22,300 ये स्पॉट के लेवल है, वहां पे अगर निफ्टी आती है तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करना है। तो हमें लगता है थोड़ा छोटा ही दायरा रहेगा मार्केट को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कॉल राइटर्स अभी 22,300 की स्ट्राइक पे मेजरली 22,200 22,300 की स्ट्राइक पे मेजरली यहाँ पे पोजीशन बनाते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि कल वीकली एक्सपायरी तो उसके चलते 22,300 एक सप्लाई जोन बना हुआ रहेगा। तो छोटा ही ट्रेड सेटअप है, डिप्स में बाय करेंगे, 22,200 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो हम बाय करेंगे और टारगेट जो प्रोजेक्ट करेंगे वहां पे फिर 22,280 22,300 की। तो छोटी रेंज में प्ले करेंगे, आपको 22,150-160 के आसपास कहीं बाजार मिले आप लॉन्ग जाएंगे और 120 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और 22,280-260 की जोन में कहीं निफ्टी आए तो आप थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकलेंगे। तो इस रेंज को आप प्ले करेंगे। निफ्टी बैंक के केस में यहाँ आप क्या रीड कर रहे हो राजेश सर? तो देखिए निफ्टी बैंक में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से प्योरली बात करें तो बैंक निफ्टी स्पॉट पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है वो है 47,500 के आसपास, और एक हमने डिप भी ऑलरेडी उसके आसपास के लेवल तक लिया था।